नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लोचा। आज हमारे पास दो इंजन ऑयल है, मोटिओल का और सर्वो का। दोनों ही इंजन ऑयल काफी ज्यादा बिकते हैं साथियों, अच्छे इंजन ऑयल है दोनों। तो सर्वो 40 है 20W40 और मोटिओल 40 है 20W40। दोनों ही इंजन ऑयल 40 है, दोनों ही बाइक के लिए इंजन ऑयल है और दोनों ही 900 ml की पैकिंग में है। आज हम साथियों इस कंटेनर में डाल के मोटिओल और सर्वो दोनों का फ्रिक्शन टेस्ट करने वाले हैं। इस फ्रिक्शन में हम टेम्परेचर भी टेस्ट करेंगे, कौन से इंजन ऑयल का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद यह जो हमने रॉड लगा रखी है, इस रॉड को कौन सा इंजन ऑयल ज्यादा घिसने देता है, यह भी हम चेक करेंगे। टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए हमने, आप देख सकते हैं, यह टेम्परेचर मीटर लगा दिया है। तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर वेदर यह 32.6 दिखा रहा है। तो उसके बाद हम करेंगे साथियों इनका हाई टेम्परेचर टेस्ट। यह हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल डालकर हाई टेम्परेचर टेस्ट करेंगे। उसके बाद साथियों हम इन दोनों इंजन ऑयलों को मिक्स करेंगे अपने इस कंटेनर में, और फिर हम टेस्ट करेंगे कि दोनों इंजन ऑयल अगर यह दोनों आपस में मिक्स कर दिए जाए तो क्या होगा, क्या यह रॉड ज्यादा घिसेगी या कम घिसेगी, टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा या लेट इंक्रीज होगा। तो यह सभी कुछ आज हम अपनी वीडियो में टेस्ट करेंगे साथियों। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें कौन सा इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए अच्छा है, जिससे आपकी बाइक सालों साल तक आपका साथ अच्छी तरह से देती रहे। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए बनाते हैं कुछ खास वीडियो, तो हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब नाम के लाल बटन को दबा ही दीजिए, और उसके बाद आ जाएगी घंटी, तो घंटी को आप बजा ही दीजिए। तो ऐसा करने से आप देख पाएंगे हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले। तो साथियों फ्रिक्शन टेस्ट के लिए हमने यह सर्वो का 40 इंजन ऑयल कंटेनर में डाल दिया है, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में भी डाल दिया है। तो साथियों अब हम यह अपनी मोटर चालू करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में यह कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो साथियों मोटर हम शुरू कर देते हैं फ्रिक्शन के लिए और देखेंगे टेम्परेचर कितनी देर में इंक्रीज होता है, साथ ही यह रॉड यहां से कितनी घिसती है। तो साथियों जो हमारा ब्लैक कलर का कंटेनर था वह लीक हो रहा था, उसमें से इंजन ऑयल लीक हो रहा था, तो हमने यह दूसरा कंटेनर लगा दिया है। दूसरा कंटेनर हमने चेंज करना पड़ा और हमने ये रॉड भी दूसरी लगा दी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है। तो चलिए साथियों हम इस कंटेनर में एक बार फिर से दोबारा इंजन ऑयल इंडियन ऑयल का सर्वो इसमें डाल देते हैं। ये हमने कंटेनर में ऑयल डाल दिया है साथियों। और अब हम इसमें फ्रिक्शन के लिए यह रॉड लगा देते हैं, इसके ऊपर यह वेट लगा रखा है हमने, आप देख सकते हैं यही वेट दोनों वीडियोज में रहेगा। यह जो वेट है साथियों, पहले एक सर ने हमें कमेंट किया था कि दोनों फ्रैक्शन में मोटिओल और कैस्ट्रोल एक्टिव की जो हमारी वीडियो है, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि दोनों समय वेट अलग अलग था, इसलिए वह कैस्ट्रोल एक्टिव जो है वह जल्दी गर्म हो गया था, कैस्ट्रोल के ऊपर वेट ज्यादा था। तो इसलिए आज हमने यह दिखाते हुए कि इस पे हमने कितना वेट लगा रखा है, तो हम इसका फ्रिक्शन टेस्ट करने वाले हैं। तो मोटर को हम साथियों स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों 10 मिनट में
52.6 डिग्री टेम्परेचर अभी हुआ है, 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। साथियों आप देख सकते हैं 52.2 डिग्री टेम्परेचर 10 मिनट में इसका हुआ, और फ्रैक्शन ने रॉड पर क्या असर किया तो यह हम देखते हैं। रॉड को साफ करते हैं कि इसको सर्वो ने कितना घिसने दिया। रॉड गर्म है साथियों, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का, बिल्कुल ही हल्का सा निशान, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं साफ कर दिया अच्छी तरह। बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा निशान यहां पर, ये देखिए, ये आप यहां अगर देख पा रहे हैं बिल्कुल ही थोड़ा सा निशान, इसको तो हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा निशान सर्वो 40 का आया है। अब हम इस रॉड को इस तरफ से लगाएंगे, इसको खोल देते हैं। और अब हम साथियों इस रॉड को इस तरफ से लगाएंगे, यहां से हमने इसको बराबर रखा है इसके, तो वेट चेंज होने का कोई भी चांस नहीं है। आप देख सकते हैं रॉड के ऊपर कोई निशान नहीं है। हम इसको रख देते हैं और कंटेनर खाली कर देते हैं। तो साथियों हमने कंटेनर को पूरी तरह से खाली कर दिया, और यह हमारे पास इंजन ऑयल है मॉड्यूल का 3040 प्लस, तो इसे हम यहां डाल देते हैं। इतना ही ऑयल डाला था साथियों हमने सर्वो, और इतना ही ऑयल हम डाल देते हैं मॉड्यूल, और यहां हम थोड़ा सा इंजन ऑयल हाई टेम्परेचर टेस्ट के लिए टेस्ट ट्यूब में भी डाल देते हैं। थोड़ा सा दोनों ऑयलों में कलर डिफरेंस है साथियों, मॉड्यूल का इंजन ऑयल थोड़ा क्लियर है। रॉड को हमने चेंज कर दिया था, आपने देखा था बिल्कुल थोड़ा सा ही निशान रॉड के ऊपर आया था। तो अब हम फ्रिक्शन के लिए इस रॉड को लगा देते हैं यहाँ, और मोटर कर देते हैं स्टार्ट। मिनट पूरे हो चुके हैं साथियों, 53.1 डिग्री मॉड्यूल का टेम्परेचर है, और अब हम इसको बंद करके रॉड साफ करके देखते हैं। अब हम रॉड को साफ करके देखते हैं कि इसने रॉड पर कितना निशान डाला। यहां आप देख सकते हैं साथियों मॉड्यूल ने रॉड के ऊपर ज्यादा निशान डाला है, आप शायद देख पा रहे होंगे। कैमरा इतना अच्छा नहीं है मेरे पास, मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। अब हम दोनों निशानों को देखेंगे, ये हमने रॉड को साफ कर दिया साथियों। यह सर्वो से निशान आया साथियों, बहुत ही कम है, और यहां आप देख सकते हैं यह निशान मॉड्यूल का है जो कि ज्यादा है, यानी कि मॉड्यूल इंजन ऑयल से यह रॉड ज्यादा घिसी है साथियों, और सर्वो से यह कम घिसी है। यह सर्वो का निशान है।
आप देख पा रहे होंगे शायद, ये सर्वो का निशान है। इसकी फोटो क्लिक करके शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यह जो है मॉड्यूल का निशान है, यहां हमें मॉड्यूल का निशान ज्यादा गहरा लग रहा है सर्वो से, तो यहां जो है मॉड्यूल के इंजन ऑयल को पीछे करता है सर्वो। साथियों सर्वो का निशान कम है, यहां इसे हम मार्क कर देते हैं ताकि बाद में यह हम भूल ना जाए कौन सा निशान किसका है। यह नहीं चल रहा है साथियों मार्कर यहां, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां साथियों हम एक तार बांध देते हैं, ये मॉड्यूल का है। तो साथियों हम अब हाई टेम्परेचर टेस्ट करके देख लेते हैं दोनों इंजन ऑयलों का। ये देख सकते हैं आप ऑयल गर्म होने लगा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। यह सर्वो का इंजन ऑयल है साथियों, लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क कलर है इसका। ये हो गया साथियों गरम, थोड़ा बाहर भी आ गया। और अब हम मॉड्यूल के इंजन ऑयल को गरम करते हैं। लगभग 2 मिनट हमने इसको गरम किया, इसमें भी बबल्स आ रहे हैं साथियों। मॉड्यूल जल्दी पतला हो रहा है और यह ऊपर तक चला गया है साथियों। कलर मॉड्यूल का बहुत ही कम चेंज होता है, यह बहुत अजीब बात है। और आप देख सकते हैं ये हो गया साथियों, इन्हें ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं साथियों यह सर्वो का इंजन ऑयल है और यह मॉड्यूल है। मॉड्यूल थोड़ा गर्म होकर थोड़ा सा ज्यादा हो गया साथियों, ऊपर तक आ गया थोड़ा। और लो दोनों ही बराबर पतले हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इंजन ऑयल मिक्स करेंगे साथियों। हम मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल सर्वो डालेंगे और सर्वो के अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल मॉड्यूल डालेंगे। तो यह हम हमारा देखिए साथियों सर्वो है, तो हम थोड़ा सा इसको मॉड्यूल में डाल देते हैं। और यह हमारा साथियों मॉड्यूल है, इसको हम थोड़ा सा सर्वो में डाल देते हैं। और एक बार फिर से इन्हें साथियों गरम करते हैं कि अगर आप बार बार ऑयल चेंज करते हैं, एक ही ब्रांड अगर आप नहीं रखते हैं, तो क्या इफेक्ट आ सकता है।
तो पहले हम इसको गरम करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा सर्वो में मोटियोल डाला है। और अब हम इसको गरम करेंगे। यहाँ हमने मोटियोल में थोड़ा सा सर्वो डाला है। तो इन्हें साथियों ठंडा होने देते हैं। अभी गर्म में आप देख सकते हैं मोटियोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है सर्वो से। और अब हम कंटेनर में, जो हमारा कंटेनर है फ्रैक्शन टेस्ट का, तो इस कंटेनर में हमारा मोटियोल है, तो इसमें हम थोड़ा सा सर्वो डालेंगे। ये हमने मॉड्यूल और सर्वो मिक्स कर दिया है साथियों। टेस्ट ट्यूब में भी मिक्स कर दिया है और कंटेनर में भी मिक्स कर दिया है। अब हम दूसरी रॉड लगाएंगे। ये साथियों आप देख सकते हैं दोनों ही रॉडों की लंबाई बराबर है, दोनों ही रॉडों पर वेट बराबर है। अब हम देखेंगे हमने इस कंटेनर में जो दोनों ऑयलों को मिक्स किया है तो फ्रैक्शन ज़्यादा होता है या कम होता है, तो हमारी रॉड ज़्यादा घिसती है या कम घिसती है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है 10 मिनट में। तो साथियों हम इसको स्टार्ट कर देते हैं फ्रैक्शन टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं साथियों 10 मिनट में जब हमने दोनों इंजन ऑयलों को मिक्स कर दिया, सर्वो और मोटियोल को, मोटियोल में थोड़ा सा सर्वो डाला, तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में 58.3 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, जबकि जब सिंगल सिंगल ऑयल चल रहे थे तो उनका टेम्परेचर 52 डिग्री तक ही गया था। अब हम इसका साथियों रॉड पर निशान भी चेक कर लेते हैं कि निशान फ्रिक्शन की वजह से कितने गहरे निशान रॉड के ऊपर आए। तो हम इसको बंद कर देते हैं साथियों, रॉड को साफ करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं रॉड पर निशान भी आपको दिख रहे होंगे, रॉड पर निशान। हम इसकी भी फोटो क्लिक करके आपको दिखाएंगे।
तो यह रॉड पर निशान भी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं जब हमने सिर्फ सर्वो चलाया था। जब सिर्फ मॉड्यूल चलाया था साथियों, तो रॉड पर निशान और भी ज्यादा थे। इसमें सर्वो मिक्स करने से रॉड पर निशान तो कम हुए हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और जब आप ज्यादा देर गाड़ी चलाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ज्यादा हाई हो जाएगा और वह आपके गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ऑयल ज्यादा गर्म हो जाएगा तो गाड़ी के सीज होने के, इंजन के सीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो साथियों, यहां हमने पाया फ्रिक्शन के मामले में टेम्परेचर इंक्रीज सर्वो और मॉड्यूल का लगभग लगभग बराबर होता है। और अगर हम बात करें रॉड पर निशान डालने की, तो सर्वो से रॉड पर कम निशान डले हैं, सर्वो ने रॉड को कम घिसने दिया है साथियों, और मॉड्यूल से रॉड थोड़ी ज्यादा घिसी है। तो एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए सर्वो 40, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सर्वो का इंजन ऑयल ओरिजिनल हो, ओरिजिनल इंजन ऑयल ही आप सर्वो का खरीदें। तो सर्वो का इंजन ऑयल तो साथियों कोई भी खरीदे तो ओरिजिनल ही खरीदे। तो सर्वो का इंजन ऑयल हमें यहाँ ज्यादा बेहतर लगा मॉड्यूल के इंजन ऑयल से, क्योंकि मॉड्यूल के इंजन ऑयल ने रॉड के ऊपर ज्यादा निशान डाल दिए, रॉड को थोड़ा सा ज्यादा घिस दिया। मॉड्यूल से थोड़ा सा सस्ता भी है सर्वो, सस्ता भी मिल जाता है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी सर्वो की यहाँ मिलती है। तो ये सभी जो हमने मॉड्यूल के साथ तीनों इंजन ऑयल चेक किए, ये सभी मिनरल ऑयल थे, 20W40, ये सिंथेटिक ऑयल नहीं है। तो इन सभी ऑयलों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें सर्वो की लगी, इसीलिए सर्वो की सेल भी ज्यादा है साथियों। और सर्वो आप 100, 110, 125 सीसी में आप चलाएं, अच्छा चलेगा। 2000 किलोमीटर आप चलाएं, उसके बाद चेंज कर दें, आपको कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगी। तो हमारा वोट जाता है सर्वो की तरफ। तो आप क्या कहते हैं साथियों, कौन सा इंजन ऑयल आपको अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी हम इंजन ऑयल्स की वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।